नमस्कार, मेरा नाम संजीव पांडे है और मैं आप सबको यानी RDDU के जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उन सबको बधाई देता हूं कि आप एक इतने अच्छे चैनल के साथ जुड़े हैं। यहां मेरे बड़े भाई साहब राजेश जी आप सबको इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं और ताकि आप लोगों की बॉलीवुड की सफ़र जो हम लोगों ने फेस किया है, पता ही नहीं होता था कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो सब आप लोगों को घर बैठे मिल जाता है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई साहब राजेश दुबे जी को नमस्कार करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव चैनल जो एक्टर्स मुंबई आना चाहते हैं उनके लिए आपने खोला है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ कि मैं 1989 में मैंने अपना एक्टिंग का करियर शुरू किया था। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, ना कभी सेट देखा, ना एक्टिंग के बारे में कोई जानकारी थी। बस इतना पता था जब मैं स्कूल में जाता था, और आप सबको पता ही है कि हर स्कूल में सुबह में एक प्रेयर होता है, तो जो लड़का वो प्रेयर को बोलता था, जैसे वो एक लाइन बोलता था तो एक लाइन हम बोलते थे, कहीं ना कहीं मैं उससे प्रभावित हुआ कि हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। तो एक एक्टर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्रीन पे दिख रहा है, लोग उसे पहचानते हैं। एक एक्टर मेरे लिए जो है कि मैं अगर समाज के लिए, अगर मैं लोगों को वो मैसेज दे पाऊँ जिससे हमारा समाज सुधरे, जिससे हमारी जीवन शैली सुधरे, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। और आनंद भी आता है, और सबसे बड़ी बात है कि काम जो है वो काम नहीं लगता है। हमारी जो जीवन शैली है, जो लोग ये चैनल से जुड़े हैं, मैं जैसे भैया ने, राजेश भैया ने बताया ही आप सबको कि ये एक बहुत कठिन सफ़र है। अगर आप मुंबई इसलिए आना चाहते हैं कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, बंगलों में रहना है, फिर मैं कहना चाहूँगा कि मुंबई आपके लिए नहीं है। ये सब जो है ये बाई प्रोडक्ट्स है। आपका मेन काम है एक्टिंग करना, और एक्टिंग जो है ये एक बहुत ही कठिन काम है। मैं आपको बताऊँ, मुंबई के एक थिएटर ग्रुप से मैं जुड़ा था, वहाँ पे IIT के लड़के आते थे और बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी वो एक्टिंग को समझ नहीं पाते थे कि एक्टिंग क्या होता है। मेरे जीवन में मैंने ऐसे बहुत सारे सेट पे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है जो डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपना डॉक्टरी छोड़ के एक्टिंग को पेशा बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग बहुत ही आसान काम नहीं है, ये एक तपस्या है, एक अलग चीज़ है जो मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकता। तो 1989 में मैं ढूंढते, उस वक्त ना इंटरनेट था, ना गूगल था, और ना किसी से पूछ सकता था कि भाई कहाँ एक्टिंग होता है। चूँकि मैं कलकत्ता से हूँ तो बंगाली थिएटर तो बहुत थे, कलकत्ता में हिंदी थिएटर्स मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ, चूँकि मैं मॉडलिंग करता था, तो मॉडलिंग मतलब आप समझते हैं कि आपके पिक्चर्स लिए जाते हैं और होर्डिंग शब्द है, तो इस तरह की कुछ मॉडलिंग्स मैंने किया था जो मुझे स्कूल में कुछ लोगों ने मुझे बताया था। तो ढूंढते मुझे पता चला पदातिक थिएटर ग्रुप के बारे में, जो कि श्यामानंद जलान सर ने इसका उद्घाटन किया था और उन्होंने इसका शुरुआत की थी, जो कि संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन रह चुके थे और बहुत ही विद्वान आदमी थे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, कौवा चले हंस की चाल, 1990 में तो जो बहुत ही छोटा सा किरदार था, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो वो जो अनुभूति हुई मुझे जब इतने सारे दर्शकों के बीच, जब दर्शक आप जब कुछ बोल रहे होते हैं और लोग आपको सुन रहे होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो मुझे लगता है कि इस दुनिया में वो खुशी कोई नहीं दे पाएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कुछ भी कर लो जीवन में।
जब दर्शक आपके डायलॉग्स पे, आपके एक्सप्रेशंस पे जब वो आपको क्लैप करते हैं, सराहते हैं आपको, इससे अद्भुत और बढ़िया मेरे ख्याल से इंसान के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो जो मैं बोलूँगा तो शायद जो खुजली हुई मुझे, वो खुजली अब तक बरकरार है और दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत साल थिएटर करने के बाद कभी मुंबई आने का सोचा नहीं था, ऐसा नहीं है, सोचता तो था पर बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत ही शाय था, मैं कम लोगों से बात करता था, ज़्यादा लोगों से रूबरू होना मेरा आदत नहीं था। मैं बहुत मार भी खाता था बचपन में, जब मैं स्कूल में इंटरव्यूज़ के लिए जाता था तो बोलता ही नहीं था, तो बाहर निकल के बहुत मार पड़ती थी और मैं मार खा के भी रोता भी नहीं था, चुप ही रहता था। और अक्सर जो लोग चुप होते हैं उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा था। तो मुझे याद है कुछ आज से करीब 2015 में हमारी एक प्ले हुई थी ममत्व, जो कलकत्ता के बिरला सभागार में हुई थी, जिसका निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रवीण कुमार गुंजन जी ने किया था, जिसमें मैंने एक बहुत ही मुख्य किरदार निभाया था। तो वो प्ले देखने के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम एक बार मुंबई आओ और कुछ टाइम दो, शायद तुम यहाँ कुछ कर पाओगे। तो मैं मुंबई चला तो आया, अब ना कोई जान ना पहचान, कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ। चूँकि थिएटर से था तो धीरे धीरे फेसबुक के माध्यम से थिएटर ग्रुप से जाने लगा, पदातिक थिएटर, पृथ्वी थिएटर में पहुँचने लगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। तो करीब 3 महीने के स्ट्रगल के बाद मुझे पहला काम मिला क्राइम अलर्ट में। क्राइम अलर्ट उस समय नया नया आया था दंगल चैनल पे, और संयोग देखिए कि मैं शाम को लॉक हुआ और उसी दिन शाम को मेरा क्राइम पेट्रोल से भी फोन आ गया। और यकीन मानेंगे, पहला शूट मैंने एक ही दिन में 2 सीरियल्स का किया, क्राइम अलर्ट और क्राइम पेट्रोल। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक चल रहा है। अब मैं धीरे धीरे सेलेक्टिव काम करना शुरू किया, क्योंकि जब आपका जो एम है वो इस तरीके से है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो नोटिसेबल हो, सिर्फ काम नहीं करना है कि हम आए हैं और स्क्रीन पे दिख गए। हाँ, शुरुआती दौर में वो ज़रूरी भी होता है, पर धीरे धीरे आपको, जब आपको ये समझ में आने लगे कि लोग आपके काम को सराह रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। अब टीवी करने के बाद धीरे धीरे मन किया कि टीवी में तो मैंने जैसे पोरस किया, पोरस में किंग बेसूस का रोल किया, परम अवतार श्री कृष्ण में भीष्म पितामह, लव कुश में ऋषि अगस्त, सावधान इंडिया में मेन पुलिस कॉप का, मेन विलेन का, इस तरह के बहुत किरदार निभाने के बाद मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग के बारे में मालूम चला। तो मैं वहाँ गया और बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ ऑडिशंस नहीं होते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शंस होते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने बोला तो मैंने गुस्ताखी की, पर मैंने एक छोटा सा 30-35 सेकंड का एक ऑडिशन उनको इंट्रोडक्शन देते देते ही बोल दिया। और फिर उन्होंने कहा भी मुझे कि आपको ऑडिशन देने का नहीं बोला था मैंने। मैंने कहा सर, कैमरे के सामने आने से वो मेरी खुजली थोड़ी बढ़ जाती है, तो खैर वो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद मेरे पास एक कॉल आया कि आप आइए, सलमान खान प्रोडक्शंस में एक वेब सीरीज़ के लिए सिलेक्शन चल रहा है, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ मिसाइल चीफ स्टेशन वाईपी सक्सेना का, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे लोग पहचानने लगे, और फिर मेरे पास एक ऑफर आया फिल्म का स्कॉटलैंड। और आप सबको जान के हैरानी होगी कि मेरी पहली ही फिल्म ऑस्कर में नामांकित हुई। और उसके बाद अभी हाल ही में मैंने अजय देवगन प्रोडक्शन की एक फिल्म बन रही है द बिग बुल, जो हर्षद मेहता के जीवनी पर आधारित है। उस फिल्म में मैंने हर्षद मेहता के चीफ अकाउंटेंट का किरदार निभाया है, और उम्मीद है आप सब मेरे काम को पसंद करेंगे। और
सफ़र अभी भी जारी है। तो आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। और मुंबई अगर आना चाहते हैं और अपने एक्टिंग करियर को पंख देना चाहते हैं तो इस चैनल को देखते रहिए, यहाँ आपको हर तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और हालांकि मैंने भी खुद, आज मैं राजेश भैया आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपके चैनल्स को देखता था और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन्स की, रहने का कैसा है, कहाँ पे किस एरिया में क्या रेंट है, ऑडिशंस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि नए नए एक्टर्स को तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे उनके हिसाब से, उनके हाइट, उनके लुक्स, उनके एज कैटेगरी के हिसाब से ऑडिशन चल रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है और वाकई मिलता है, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वाकई मिलता है। बहुत सारे लोग जो शूटिंग के दौरान हम लोग मिलते हैं, को एक्टर्स, वो भी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा चैनल आपने खोला है और मैं आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव चैनल खोल के आप सब आने वाले एक्टर्स को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं आप। तो इस वीडियो को छोटा रखते हुए ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।